नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गांधी के वेश में घूमते अपराधियों से पुलिस भी परेशान। सागर के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब गांधी का वेश बनाकर एक युवक कलेक्ट्रेट परिसर में लगे पेड़ पर चढ़ गया और आत्महत्या का प्रयास करने लगा। संतोष गांधी नाम का यह युवक गौर झामर का निवासी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों गौर झामर पुलिस द्वारा संतोष गांधी के छोटे भाई जाहर लोधी को जुआ खिलाने के मामले में पूछताछ के लिए थाने तलब किया गया था। अपने भाई को छुड़ाने आए संतोष गांधी ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और फिर पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए आज कलेक्टर परिसर में पहुंचकर भी हंगामा किया। इस युवक का कहना है कि गौर झामर पुलिस ने बेवजह उसके भाई को गिरफ्तार किया है और थाना प्रभारी संगीता सिंह द्वारा उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। वहीं एक वायरल वीडियो में गांधी बना यह युवक खुद जुआ फड़ पर पैसे लगाते दिख रहा है। इस मामले में थाना प्रभारी संगीता सिंह का कहना है कि संतोष गांधी का छोटा भाई जाहर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, जिस पर शराब आबकारी का मुकदमा भी दर्ज है। बीते दिनों जुआ के मामले में रेड करते वक्त संदिग्ध स्थान के पास जाहर सिंह लोधी भी मौजूद था। पुलिस द्वारा संदेह के तौर पर पूछताछ के लिए जाहर को थाने लाया गया था। इसके बाद संतोष गांधी ने थाने आकर पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की और हंगामा किया। वहीं एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का कहना है कि कलेक्ट्रेट परिसर में संतोष गांधी को समझाइश दी गई और इस पूरे मामले की जानकारी कराकर उचित कार्यवाही का संतोष गांधी को आश्वासन दिया गया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। आबकारी कायमी दौरान इसके घर में जब दबिश दी गई थी तो इसने पुलिस को विवादित करने के लिए सिपाहियों के ऊपर 30,000 रुपये घर से उठाने का आरोप लगा दिया था। जब जब इसके भाई के कार्रवाई की जाती है, दबिश दी जाती है, तो ये हमेशा अपने भाई के सपोर्ट में आकर के पुलिस के खिलाफ में खड़ा होता है। लौटाने की भी बात तो अभी तो कही है कि पुलिस ने वापस लौटाए हैं पैसे नोटरी करके पक्की। वो मामला चूँकि उसका कोई वो तथ्य नहीं है, ऐसे कोई वो नहीं है, वो अपने से बढ़ा चढ़ा के इन चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है और इसके भाई का आपराधिक रिकॉर्ड है। इस संबंध में थाने में भी आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा सकता है। इसका भाई है जाहर, वो अपराधी है, शराब बेचता है, मारपीट का अपराधी है। जुआ रेड करने दौरान कुछ लोग वहाँ से भागते हुए दिखे थे, जिसमें इसका भाई भी वहाँ पर से आ रहा था, जो संदेहास्पद रूप पे उसके भाई को पकड़ा गया था। पूछताछ दौरान ये अचानक से वहाँ थाने आ गया और इसने अपने भाई को छोड़ने की मांग करने लगा, जबकि थाने में अन्य मामलों के अपराधी भी बैठे हुए थे। उनके सामने ही थाने में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरे भाई को छोड़ा जाए, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। फिर इसको समझाया गया, उसको लिखित में भी दे दिया गया कि इस तस्दीक के लिए बुलवाया गया है, पूछताछ बाद रवाना कर दिया जाएगा कि तुम्हारा भाई किसके घर में गया था। उसके बाद में जिन लोगों के घर में इसका भाई गया था और इसके कहने पर, इसके कथन वथन से इसके भाई को थाने से रवाना कर दिया गया था। तो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, आरोप भी लगाए हैं? आरोप ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, क्योंकि इसको बाहर बैठने के लिए कहा गया था। ये सभी अपराधियों के बीच में अपने भाई को छुड़ाने की मांग कर रहा था। इनके भाई के ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? इसके भाई के मामले में थाने में कम से कम 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। चीजें हैं कि गौर झामर थाने का भ्रमण है और इतवार की रात को 20 तारीख थी, मेरे भाई को पुलिस वालों ने रास्ते चल कर पकड़ा। मुझे जानकारी मिली कि गांधी जी आपके भाई को पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं, तो मैं थाने गया तो हमने वहाँ की TI महोदय महिला हैं उनसे पूछा कि आपने किस कारण से हमारे भाई को आपने पकड़ा है, तो उनने हमें बताया कि गांधी जी आपका आवेदन लिख कर के लाओ कि आपका बड़ा भाई है, मैं कारण बता दूंगी कि आपने हमने क्यों पकड़ा। तो हमने लिख कर के उनको आवेदन दिया, तो उसमें क्या है, उनने इतना सा भर लिख दिया है कि हमने आपके भाई को संदेह के रूप में पकड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि मैडम अब मेरे भाई को छोड़ दो, जब कोई सबूत नहीं है कि अपराधी है, तो मैडम मेरे से कहने लगी कि तू आतंकवादी है, तू थाने के बाहर खड़ा हो। तो मैं रात्रि के 8 बजे मैं थाने के बाहर खड़ा रहा 2 घंटे, क्योंकि इसलिए खड़ा रहा कि मेरा भाई अंदर था। उसके बाद मैं आया तो मेरे से यूं तक बोली कि मैं महिला हूँ, ज़्यादा अगर तू बोलेगा तो छेड़खानी के केस में तुझे अंदर कर दूंगी। ये किसने बोला था आपसे? गौर झामर की TI महिला और अभी से एक
चौहान है जिसने मेरे 30,000 रुपए चोरी किए थे 2018 में, उसने पैसे नोटरी करवा के कोर्ट की, हमें 30,000 रुपए दे दिए। अब वो उस चोरी को लेकर के जो भी TI आता है उसको भड़का देता है और मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक ही चीज मांगने आया था कि आज मुझे इंसाफ चाहिए। अगर लोग कानून नहीं इंसाफ देगा तो लोग जाएंगे कहाँ? मेरा आत्महत्या करने का यही उद्देश्य था कि मुझे इंसाफ चाहिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय ना हो, न्याय होना चाहिए। मैं इस माध्यम से आया था। फिर इसके बाद में SP साहब के कहने पर, SP साहब के भरोसे पर मैं पेड़ पे से नीचे उतरा और SP साहब ने हमसे कहा है कि गांधी जी आपकी बात रखी जाएगी और न्याय हम दिलाएंगे, तो इसलिए हमने SP साहब के कहने पर यहाँ पर न्याय मिल रहा है। जय मामला है ये जो वहाँ से आया है गोलशामल से कलेक्ट्रेट परिसर पेड़ पे जो संतोष गांधी जी हैं जो बड़ी जमनिया गौरझामा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी कुछ कंप्लेंट वहाँ पे थाना प्रभारी और एक सूचना संकलन के आरक्षक हैं, इन दोनों खिलाफ इनकी कुछ शिकायत थी। उस आक्रोश में ये कलेक्ट्रेट आ गए थे। कलेक्ट्रेट में फिर हम लोगों ने समझाई थी कि आपकी जो आवेदन आप दें उसकी विधिवत जांच करेंगे और उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। जैसे कि इनका आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे, सर ये क्या है? सर इनका आरोप जो है उसकी हम जांच करा रहे हैं। इनका कहना है कि परसों इनके जो ब्रदर हैं जो वहीं के रहने वाले हैं भरत लोधी, इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पुराना, और चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका, इनसे कुछ पूछताछ की और पूछताछ करके संतोष जी पहुंच गए थे। उसके बाद उनको वहां से रुख्सत भी कर दिया गया था। इनके कुछ है कि इनको अनर्गल कुछ बातें बोली गई थाना प्रभारी और आरक्षक द्वारा, इसके विधिवत जाँच करा।